स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जी दोस्तों, सही देख रहे हैं, आज हम भूगोल के टॉपिक एक बहुत महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, विश्व भूगोल की जनजातियाँ। जी विश्व भूगोल की जितनी जनजातियाँ हैं उनको हम एक जगह लिस्ट किए हैं। तो चलिए चलते हैं, हम समय ना गंवाते हुए देखते हैं कि विश्व भूगोल में कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं। जो तो पहली देखिए, पहली जो जनजाति आप लोगों को स्क्रीन पर देख रही है, पिग्मी। जी पिग्मी जो जनजाति है ये मेन रूप से, जी आप लोग देख सकते हैं, कांगो के बसीन में, गैबन में, युगांडा में और दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि फिलीपींस में। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, पिग्मी जो है वो मेनली अफ्रीका की जनजाति है, मगर ये एशिया के फिलीपींस में भी पाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ों को हम देख लेते हैं मैप में कि आखिर पिग्मी है कहाँ पर, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैप में, वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं पिग्मी और इन देशों की, गैबन की, युगांडा की और दक्षिण एशिया फिलीपींस की थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये देखिए, ये है साउथ, जी अफ्रीका महाद्वीप का जो है मैप है। जी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कांगो देश है, तंजानिया, केनिया, युगांडा और ये है गैबन। और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, यहाँ से जाती है आपकी कर्क रेखा और यहीं से निकलती है कांगो नदी। जी आपको दो बार यहाँ पे आप लोग देखेंगे कर्क रेखा को काटती है और यही जो है कांगो नदी का ये है बसीन, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पे हम कर्सर दिखा रहे हैं ये है कांगो नदी का बसीन और यहीं पर पाई जाती है पिग्मी जनजाति। आप लोगों को मेन रूप से बता चुका हूँ, युगांडा में, गैबन में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो में, तंजानिया में, कांगो रीजन में, इन सब रीजन में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। उसके बाद चलते हैं हम अगली जनजाति को देखते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति है, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी बोरो जनजाति। जी आप लोग यहाँ पे देखिए, बोरो जनजाति ये मेन रूप से जी अमेजान के बसीन में, जी आप लोग देख सकते हैं अमेजान नदी है उसके एरिया क्षेत्र में, ब्राज़ील में और पेरू में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कोलंबिया में पाई जाती है। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन देखते हैं, आप लोगों को वर्ल्ड मैप से अगर चीज़ों को बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग चले चलते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का ए है, आप लोग देख रहे हैं मैप, और ए आप लोग देख रहे हैं ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को एक नदी की ये धाराएँ दिखाई गई हैं जो ये अमेजान नदी का, जी अमेजन नदी का बसीन है और यहीं पे पाई जाती है बोरो जनजाति। तो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जी पेरू राज्य में, जी पेरू स्टेट में यानी कह सकते हैं कि पेरू देश में, कोलंबिया में, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं ब्राज़ील में, जी ब्राज़ील में। तो आप लोग ये ध्यान रखें कि ये जो अमेजान का बसीन है, बेसिन है, जी आप लोग इसको ध्यान रखें, अमेजान का जो बेसिन है ये तीन देशों में फैला हुआ है। अब वेनेजुएला में भी है थोड़ा सा, गिनिया में भी है और बोलिविया में भी है इसका बसीन। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, मगर बोरो जनजाति जो है वो केवल पेरू, ब्राज़ील और कोलंबिया में पाई जाती है। उसके बाद चलते हैं हम अगले जनजाति पे, जो देखते हैं वर्ल्ड की जो जनजाति है उसको कि वो कहाँ पे पाई जाती है। तो आइए चलते हैं अगली जनजाति पे, वर्ल्ड ट्राइब सीरीज में यानी कि विश्व जनजाति में जो अगली जनजाति है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सकाई जनजाति, ये मेन रूप से मलाया प्रायद्वीप, जी मलाया प्रायद्वीप या कह सकते हैं मलेशिया में पाई जाती है। जो मलेशिया देश है साउथ ईस्ट एशिया का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है मलेशिया, जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर, यहाँ पे पाई जाती है सकाई जनजाति। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखिए, जो अगली जो जनजाति है हमारी है, जो आप लोग देख रहे हैं सेमांग, सेमांग जो जनजाति है ये भी मलाया के पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, जो मलाया प्रायद्वीप है उसके पर्वतीय क्षेत्र। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो देश का पार्ट है अंडमान निकोबार, जी अंडमान द्वीप में, उसके बाद फिलीपींस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कट चुका है थोड़ा सा, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में पाई जाती है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सेमांग जनजाति, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति क्षेत्र, हमारी जो अगली जनजाति है आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं पापुआन जनजाति। जी पापुआन जो जनजाति है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत क्षेत्र में स्थित पापुआ न्यू गिनी द्वीप पे। जी आप लोगों को थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में मैं आपको इसको दिखा रहा हूँ, पापुआ न्यू गिनी कहाँ पर है, इस पे ये जो द्वीप है इस पे दो देशों का
हस्तक्षेप है या फिर कह सकते हैं राजनीति का अधिकार है, तो उसको मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैप के थ्रू। तो आइए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत और हम अपने प्यारे भारत से ईस्ट में जाएंगे। जी आप लोगों को ईस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को एक द्वीप मिलेगा। जी आप लोग यहाँ पे देखिए ये द्वीप है, थोड़ा सा और इसको बड़ा करता हूँ तो ये द्वीप है, ये है पापुआन द्वीप। जी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये पापुआन द्वीप है और इस वाले क्षेत्र पे पापुआ न्यू गिनिया का जो राजनीति का अधिकार है और इस वाले क्षेत्र पे इंडोनेशिया का अधिकार है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, यहीं पे पाई जाती है पापुआन जनजाति। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नाम से ही इम्पोर्टेंट है तो आप लोगों को याद हो जाएगा और अच्छे से। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजातीय क्षेत्र और जनजाति पे। वर्ल्ड ट्राइब सीरीज में जो हमारी अगली जनजाति है वो है बुशमैन। जी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, बुशमैन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनजाति है और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट। जी आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट में पाए जाने वाली जनजाति जो है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये है बुशमैन जनजाति। वर्तमान में ये लेसेथो, नेटाल और जिम्बाब्वे में पाई जाती है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, बुशमैन कालाहारी डिजर्ट। आप लोग दो नॉलेज आप लोगों को, एक तो बुशमैन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के, जी दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी डिजर्ट में पाई जाती है और कालाहारी डिजर्ट आप लोगों के यहाँ से लोकेशन से पता चल गया कि अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी डिजर्ट है जो दक्षिण के पार्ट में है। थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में इसको और अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। जी आप लोग देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप और ए वाला जो रीजन है यहीं पे है कालाहारी डिजर्ट। आप लोगों को जहाँ पे कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे है कालाहारी डिजर्ट और यहीं पे पाई जाती है बुशमैन जनजाति, यानी कि नामीबिया में, बोत्सवाना में, जिम्बाब्वे में, स्वाजीलैंड, साउथ अफ्रीका और लेसोथो, चारों देशों में यहाँ पे पाई जाती है बुशमैन जनजाति। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजातीय क्षेत्र और जनजाति पे कि कौन सी जनजाति है। उसके बाद जो अगली जनजाति सीरीज की जो हमारी अगली जनजाति है वो है बद्दू। जी बद्दू जनजाति, ये अरब प्रायद्वीप के, जी अरब प्रायद्वीप के हमद और नफेद मरुस्थल में, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, हमद और नफेद मरुस्थल में पाई जाती है। तो थोड़ा सा इसको वर्ल्ड मैप में या फिर कह सकते हैं मैप के थ्रू थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि हमद और नफेद मरुस्थल कहाँ पे है वर्ल्ड में। तो आप लोग चलिए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। अरबियन पेनिनसुला का ये है मैप, आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा है और ये है सऊदी अरबिया, इराक, ईरान, यूएई, ओमान और यमन और इसके ऊपर है आप लोग देख सकते हैं जॉर्डन और यहीं इसी क्षेत्र में पाए जाती हैं बद्दू जनजाति और ये है नफद, आप लोग देख सकते हैं डिजर्ट और यहीं पर सीरिया में है हमर डिजर्ट। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति सीरीज पे। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे आप लोग देख रही है मसाई जनजाति। जी मसाई जनजाति जो है ये आप लोग देख रहे हैं तंगानाइका। जी तंगानाइका केनिया और पूर्व युगांडा में पाई जाती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मैप में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि ये मसाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है, थोड़ा सा इसकी लोकेशन देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं वर्ल्ड मैप में। तो ये देखिए, ये है अफ्रीका महाद्वीप का जो है मैप है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व के, जी पूर्व में युगांडा के, केनिया में और ये है आप लोग यहाँ पे ये वाला चीज देखिए, ये जो घेरा मार रहा हूँ ये है तंगानाइका और ये सब कह सकते हैं ये है न्यासा और ये जो लेक है विक्टोरिया लेक, इसी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि इतना क्षेत्र मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इतने क्षेत्र में पाई जाती है मसाई जनजाति, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति और उसके क्षेत्र पे। जो हमारी अगली जनजाति है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जी खिरगिज जनजाति। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं खिरगिज जनजाति, ये मेन रूप से सेंट्रल एशिया में पाई जाती है या कह सकते हैं मध्य एशिया में, जहाँ पे किर्गिस्तान है, आप लोग देखिए किर्गिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती है, इसको आप लोग सीधे सीधे याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति सीरीज पे। जो हमारी अगली जनजाति सीरीज है आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जी एस्किमो जनजाति। जी एस्किमो जनजाति जो है ये टुंड्रा प्रदेश में मेनली पाई जाती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। टुंड्रा प्रदेश में जैसे अमेरिका के अलास्का में, कनाडा में और ग्रीनलैंड में, काफ़ी ज़्यादा ठंडा जगहों पे पाई जाती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड, आप लोग इसको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति सीरीज पे। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति आप लोग देख रहे हैं कजाक जनजाति, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कजाक जनजाति कहाँ पे पाई जाती होगी, तो ये आप लोगों को पता है कजाकिस्तान में। और सिकियांग, आप लोगों को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, जो सिकियांग प्रांत है ये चीन का है, चीन का हिस्सा है और यहाँ पर भी पाई जाती है कजाक जनजाति। और उसके बाद इनका तो अलग से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोग इसको ध्यान रखिए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास, जी यहाँ पर भी इनका प्रेजेंस है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके बाद आप लोग देखिए माओरी जनजाति, जी माओरी जो जनजाति है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, वहाँ की एकमात्र जनजाति है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा माओरी जनजाति। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति क्षेत्र और जनजाति पे। उसके बाद जो हमारा अगला जनजाति क्षेत्र है वो आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा है कोकेक्स जनजाति क्षेत्र, या फिर कह सकते हैं कोकेक्स जनजाति, और इनका जो क्षेत्र है वो है काला सागर, आप लोग ध्यान रखिए काला सागर, जैसे क्रीमिया पेनिनसुला, यूक्रेन, पोलैंड, लुथानिया, मास्कोवा, यानी मास्कोवा का मतलब है रूस की राजधानी, ये क्षेत्र है आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यूक्रेन, लुथानिया, बेलारूस और एक कैस्पियन सागर सी में कुछ पार्ट आप लोग कह सकते हैं कजाकिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया का भी आएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के क्षेत्र में पोलैंड, लिथुआनिया के क्षेत्रों में पाई जाती है कोसेक्स जनजाति, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मेन रूप से आप लोगों को ध्यान है जो दूसरी हमारी जनजाति है वो अफरीदी, आप लोगों को एक बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं, उनका नाम भी याद होगा, तो शायद ये उसी प्रजाति मतलब जनजाति से बिलोंग करते हैं, ये तो मैं क्लियरली नहीं कह सकता। तो ये जो जनजाति है आप लोग देख सकते हैं पाकिस्तान में पाई जाती है, जो पख्तूनी आदिवासी होते हैं, जी पख्तूनी जो आदिवासी होते हैं या फिर कह सकते हैं जनजाति होते हैं, वो लोग आते हैं अफरीदी जनजाति में और मेनली पाकिस्तान में पाई जाती है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति क्षेत्र और जनजाति पे। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति है आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे देख रही है, जी सही देख रहे हैं, हजदा जनजाति, जी हजदा जनजाति जो है वो तंजानिया में, जी केनिया के बगल में जो देश है आप लोगों को ध्यान था तंजानिया, वहाँ पे पाई जाती है हजदा जनजाति। उसके बाद जो अगली जनजाति हमारी है यहाँ पे देखिए कुंग जनजाति, जी कुंग जनजाति वही वाला क्षेत्र कालाहारी डिजर्ट, यानी कि नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, लेसोथो और स्वाजीलैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है कुंग जनजाति, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ऊपर वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि अगली वाली जनजाति जो थी वो कौन सी जनजाति कालाहारी डिजर्ट में पाई जाती थी। उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले जनजाति क्षेत्र पे। उसके बाद जो हमारा अगला जनजाति और जनजाति क्षेत्र है आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, जी अपाचे, अपाचे जनजाति, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, अपाचे जनजाति संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है अपाचे जनजाति। उसके बाद आप लोगों की जो दूसरी जनजाति है यनोमनी जनजाति, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, यनोमनी जनजाति वेनेजुएला, जी आप लोगों को एक बार मैप में मैं दिखा चुका हूँ, वेनेजुएला और ब्राजील के क्षेत्र में पाई जाती है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ब्राजील और वेनेजुएला। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति क्षेत्र है आप चलते हैं देखते हैं, जो हमारा अगला जनजाति और जनजाति क्षेत्र है आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा है पुन्नन जनजाति क्षेत्र, देख रहा है पुन्नन जनजाति क्षेत्र, ये मेन रूप से बोर्नियो आइलैंड या बोर्नियो द्वीप पे पाई जाती है, जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, और इस पर 3 देशों का अधिकार है, और ये मेन रूप से जो जनजाति पाई जाती है इंडोनेशिया में पाई जाती है, मगर बोर्नियो आइलैंड पे 3 देशों का अधिकार है, जी मलेशिया का अधिकार है, बोर्नियो एक देश है उसका अधिकार है और इंडोनेशिया का अधिकार है, आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम अगले, और थोड़ा सा इसको भी बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ छूट चुकी है, जो स्लोवाक जनजाति, जी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्लोवाक जो जनजाति है, जी स्लोवाक जो जनजाति है वो स्लोवाक और चेक रिपब्लिकन, जी आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, स्लोवाक
और चेक रिपब्लिकन में पाई जाती है, ये छूट चुका था थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, चेक रिपब्लिकन गणराज्य जो यूरोप के देश है स्लोवाकिया, इन क्षेत्रों में पाई जाती है, उनको स्लोवाक जनजाति कहते हैं। उसके बाद जो अगली जनजाति आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वेद्दा, वेद्दा जो जनजाति है वो श्रीलंका में पाई जाती है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसे वेद्दा कहते हैं। उसके बाद चलते हैं हम अगले जनजाति अपने क्षेत्र और जनजाति पे। उसके बाद जो हमारी अगली जनजाति क्षेत्र और आज इस वीडियो की जो लास्ट जनजाति क्षेत्र है आप लोगों को स्क्रीन पे देख रहा है जी, एटाज जनजाति क्षेत्र, जी एटाज जो है वो फिलीपींस जी, आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर में आइलैंड जो कंट्री है, आर्किपेलगो है, यानी कि कह सकते हैं द्वीपों का जो देश है फिलीपींस, वहाँ पे पाई जाती है एटाज जनजाति। तो दोस्तों ये रहा हमारे वीडियो का अंत, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।